तो आइए दोस्तों, एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये जो सामने कैलकुलेटर दिख रहा है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। आपने लाइफ में बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो की होगी, लेकिन शायद कुछ ही लोगों को पता होगा इसके डायरेक्टली आंसर इसका आ सकता है कैलकुलेटर में, जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है जैसे एग्जाम में, वहाँ पर आप उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसको आप मैनुअल या फिर बिना कैलसी का भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बनाना चाहता हूँ कैलकुलेटर का एक्सपर्ट, जो कि आपका आधे से ज़्यादा काम कर देता है किसी भी एग्जामिनेशन में जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होगा ऑफकोर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक चीज़ छोटी आपको पता होनी चाहिए, जो ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, इसको इसके साथ ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना होगा, बराबर। मतलब आपको ए बी और सी की वैल्यू पता करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सी वैल्यू चाहिए हमको, हमको ए चाहिए होगा, उसके बाद हमको बी चाहिए होगा और हमको सी चाहिए होगा। बहुत ही आसान है, कहाँ से लाएंगे, एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर होता है वो होता है ए। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट वन होता है, तो ए की वैल्यू बन गई वन, बराबर। उसके बाद बी जो होता है वो एक्स के पास होता है, तो एक्स के पास वहाँ पे क्या है, फाइव, लेकिन साइन के साथ लेना है आपको, तो माइनस फाइव, तो बी की वैल्यू बन गई सर माइनस फाइव। और सी जो होता है वो अकेला कॉन्स्टेंट होता है, वो सी होता है, उसको आपको छः लेना है। बस ये आपको पहली बार मैंने डिटेल में बताया, आप एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक और इक्वेशन देख के भी आप बोल सकते हो ए बी सी क्या है, आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए बी सी की वैल्यू आपको कैलकुलेटर में डालनी है, कैसे डालनी है, तो सबसे पहले आपको मोड में जाना होगा यहाँ पर, उसके बाद ई क्यू एन मतलब इक्वेशन पाँच नंबर दिख रहा है वहाँ पर जाओ। तो देखिए स्क्वायर वाला इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक, इसको मैच हो रहा है, देखिए तीन नंबर का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए फॉर्मेट डायरेक्टली मैच हो रहा है, तो तीन नंबर लीजिए, तो ए बी सी की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दीजिए, इक्वल टू दबाना है वैल्यू डाल के, आपको ए कितना था हमारा वन, उसके बाद इक्वल टू, बी कितना था माइनस फाइव, उसके बाद इक्वल टू, और सी कितना आया था सिक्स, उसके बाद इक्वल टू, तीनों डाल दिए। अब फिर से इक्वल टू दबाना है, एक्स वन मतलब एक्स की पहली वैल्यू आई थ्री और दूसरी वैल्यू आएगी, क्योंकि दो वैल्यूज आएंगे क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, जितनी एक्स की मैक्सिमम पावर होती है उतने एक्स के वैल्यूज होते हैं, तो दूसरी वैल्यू आई टू, तो यहाँ पे एक्स कितना बना, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास सर एक आई थ्री और एक आई टू। क्लियर, आई होप सबको क्लियर है कि किस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।